E20 OBD2 का सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाया है बजाज कंपनी ने, और अपनी पल्सर 125 एज वेल एज NS125 में कार्बोरेटर को हटा के दे दिया है फ्यूल इंजेक्शन, जिसके कारण हाय गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे पीछे खड़ी ऑल न्यू पल्सर 125 E20 2024 एडिशन। डिटेल में आज इसके जेन्युइन प्रोज एंड कॉन्स पर वीडियो रहने वाली है। रिसेंटली इसका रिव्यू मैंने डाला था, और जहां पल्सर 125 की बात आती है ना, मेरे चैनल पर इतने कंटेंट आपको देखने को मिल जाएंगे जिसमें माइलेज टेस्ट, हाई स्पीड टेस्ट, ऑफ रोडिंग, ओनर्स रिव्यू, इतने सारे कंटेंट बना चुका हूं। और इतना एक्सपीरियंस इस बाइक का होने के बाद आज मैं जेन्युइन प्रोज एंड कॉन्स पर वीडियो लेकर आया हूं। आप अगर पल्सर 125 ओन करते हो तो इन प्रोज एंड कॉन्स के साथ एग्री करते हो कि नहीं, पूरी वीडियो देखकर कमेंट जरूर करना। और अगर इस बाइक को लेने का प्लान कर रहे हो तो सारी बातें आपको वीडियो के एंड तक क्लियर हो जाएगी। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सेटअप को पहनता हूं और चलते हैं इसकी राइड पर। ऑलराइट गाइस, ये रही बाइक की कीज, चलते हैं इस बीस्ट को लेकर। सारे प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो यार आपको लुक्स चेकआउट करा देता हूँ। और यार ये पल्सर के लुक्स कभी भी कौन सी भी गाड़ी रिप्लेस नहीं कर सकती, जो इतने सालों से आ रहे हैं ना, मतलब सच में ही इमोशन है। और इसकी बातें अभी हम आगे करने वाले हैं, सारी बातें यहीं नहीं करेंगे, बट आपको लुक्स से थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ किस टाइप की लग रही है। टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, स्प्लिट सीट के साथ आता है, हालांकि एक सिंगल सीट आता है, स्प्लिट सीट आता है। और ये वाला टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, 1,10,000 रुपीज़ में अभी इसे हमने लिया है इंदौर मध्य प्रदेश से। सबसे पहले तो आप एग्जॉस्ट थंब सुन लो, एग्जॉस्ट तो है रिफाइंड और बाकी एक्सीलेटर काफ़ी स्मूथ है यार। सबसे पहले तो यार आपको थोड़ा सा इसका इनिशियल पिकअप दिखा देता हूँ। रेव्स अप टू 10,000 RPM, और यार जब भी टॉप एंड पे खींचता हूँ ना काफ़ी मज़ा आता है। 10,000 RPM तक अभी आपके सामने ले गया, हैंडल बार पे कोई भी वाइब्रेशंस मुझे फील नहीं हुए। सारे प्रोज एंड कॉन्स आज डिटेल में देखने वाले हैं, इसलिए पल्सर 125 लवर्स वीडियो पर बने रहना। सबसे पहले पॉजिटिव से हमारे स्टार्ट करते हैं, वो है बिल्ड क्वालिटी। बिल्ड क्वालिटी हमेशा पल्सर की बाइक हो और बिल्ड क्वालिटी की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। बिल्ड क्वालिटी यार आप इसके कंपटीटर्स में देखोगे ना, SP125, ग्लैमर, रेडर, जितनी बाइक्स आती है ना, सबका वेट है 118 केजी से 125 केजी के बीच में। वहीं पल्सर अलग ही चलती है, पल्सर का वेट है 142 केजी, तो सेगमेंट में सबसे वेटेड है। कहीं ना कहीं यार बिल्ड क्वालिटी ये दर्शाता है, और साथ ही में आपको वेट है ना, तो सच में मज़ा आने वाला है इस बाइक को चलाने में। काफ़ी प्लांटेड चलती है, तो यार कंपटीटर से 20 से 25 किलो वेट ज़्यादा होना एक बहुत बड़ी बात है, और वही बजाज आपको सारी बाइक्स में प्रोवाइड करता है, जो कि इसकी बिल्ड क्वालिटी दर्शाता है। हालांकि आप पैनल्स देखोगे ना, तो टैंक को छोड़ के सब प्लास्टिक ही मिलता है, फ्रंट मडगार्ड, फेंडर, साथ ही में अपने जो मास्क है, बट फिर भी गाड़ी की चेसी का वेट इतना है, ओवरऑल बाइक का वेट आपको काफ़ी ज़्यादा मिलने वाला है। ऐसा नहीं है कि वेट ज़्यादा है तो आपको अंडर पावर लगती, पावर भी सफिशियंट है। अब दूसरे पॉजिटिव की ओर बढ़ते हैं, वो है इसके लुक्स। अब गाइस ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि यार SP125, रेडर, ग्लैमर इन सब के लुक्स बेकार है, बट जहाँ पल्सर की बात आती है ना, सच में इमोशंस जुड़े हुए हैं इस बाइक से। सिंस माय चाइल्डहुड आज भी उसी लुक में दिखती है, और लोग आज भी यही लुक पसंद कर रहे हैं। मतलब देखो आप, 2019 में पल्सर 125 इंडियन मार्केट में आई थी, तब से कंपनी ने लुक्स एंड फीचर्स में 1% भी चेंज नहीं कराए। क्यों नहीं करा है? बिकॉज लोगों को यही डिज़ाइन पसंद है। अब कंपनी चाहती तो LED फिट करना या बहुत सारे चेंजेस कर सकती थी, बट कस्टमर्स को इसी लुक में अच्छी लगती, इसलिए कंपनी ने आज तक इसमें कोई भी छेड़खानी नहीं करी है लुक में। साथ ही में जहाँ पर लुक्स की बात आती है ना, यह इंस्पायर्ड है पल्सर 150 से, जो कि सिंस 2000 इंडियन मार्केट में इतने सालों से जो बाइक है, जब राइवल्स कभी आए भी नहीं थे, तो वो एक अलग ही इमोशन वाली बात आ जाती है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। तो आप में से जो भी व्यूअर्स को इसकी डिज़ाइन काफ़ी अच्छी लगती है, सेगमेंट में सबसे यूनिक लगती है, तो मुझे एक बार कमेंट में ज़रूर बता देना। तो ऐसा है कि यार लुक्स तो देखो ओनर टू ओनर वेरी करते हैं, कल होके किसी को रेडर पसंद होगी, किसी को SP पसंद होगी, बट इसके लुक्स काफ़ी मैच्योर लगते हैं, साथ ही में इतने सालों से आ रही है, तो इमोशंस जुड़े हुए हैं इस बाइक के साथ। पल्सर 125 के अगले पॉजिटिव की बात करें, वो है इसका माइलेज। अब ये पॉइंट मैं पहले कभी भी इंक्लूड नहीं करता था, ये तो हमेशा नेगेटिव में पॉइंट आता था, बट ये पॉजिटिव में इसलिए आ रहा है बिकॉज E20 OBD2 का सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाया है बजाज कंपनी ने, और अपनी पल्सर 125 एज वेल एज NS125 में कार्बोरेटर को हटा के दे दिया है फ्यूल इंजेक्शन, जिसके कारण माइलेज काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है। पहले मैं पल्सर 125 पर इतने माइलेज टेस्ट कर चुका हूँ, जिसमें 40 से 45 के ऊपर कभी हाई स्पीड में माइलेज दिया ही नहीं है, बट आज अगर आप इसका माइलेज देखते हो ना, तो आपको 50 से 55 तक का माइलेज ये गाड़ी आराम से देने वाली है। और अगर इकोनॉमी पे आप चला रहे हो 55 से 60 की स्पीड के बीच में, तो आपको फिर आराम से 60 तक का भी माइलेज दे सकती है। आई होप गाइज आपको ऑडियो अच्छी आ रही होगी, बिकॉज अभी तो धूप थी, बट इतनी
देर में ऐसा मौसम बन गया है, विंड इतनी चल रही है, तो आई होप विंड नॉइज आपको नहीं आ रहा होगा। अब माइलेज भी इसका एक पॉजिटिव रहने वाला है, बिकॉज पहले से एक पल्सर का मिथ चलते आया है कि यार ये गाड़ी माइलेज नहीं देती, बट अब वो सिनेरियो चेंज हो चुका है फ्यूल इंजेक्शन होने के कारण, तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाता है इस बाइक के लिए। अब हमारे चौथे पॉजिटिव की ओर बढ़ते हैं, वो है इस बाइक की हाई स्पीड स्टेबिलिटी। बजाज की बाइक के प्रोज एंड कॉन्स वीडियो बना रहा हूँ या राइड रिव्यू कर रहा हूँ, और ये पॉइंट इंक्लूड नहीं करूँ कौन सी भी वीडियो में, ऐसा हो नहीं सकता। इमीडिएट ब्रेकिंग देखो काफ़ी अच्छी है। अब यार ऑब्वियस सी बात है, 140 केजीस प्लस दे दिया इस बाइक में 125 सीसी सेगमेंट में, तो फॉर श्योर यार हाई स्पीड स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी मिलने वाली है। मतलब अगर आप 80-100 चला रहे हो ना, पास से कौन सा भी ट्रक निकल रहा है, या आप लेन चेंज कर रहे हो, ऐसे लीन करके देख रहे हो ना आप कुछ इस टाइप से, फिर भी देखो आपको ये नेक्स्ट लेवल कॉन्फिडेंस देती है। ऐसे कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। साथ ही में मतलब ऐसा नहीं कि गाड़ी में पावर लैग है, मतलब वेट काफ़ी ज़्यादा है, बट फिर भी आप ऐसे देखोगे ना हायर RPMs पे, ये देखो अच्छी खासी पावर जनरेट कर लेती है, कभी भी आपको लैक ऑफ पावर इस बाइक के साथ फील नहीं होने वाली है। और ओवरऑल कुछ पॉजिटिव्स की और बात करें तो किक आपको इसमें मिल जाती है, तो ऐसे कुछ पॉजिटिव्स रहने वाले। बट जहाँ नेगेटिव्स की बात करते हैं ना, सबसे पहला नेगेटिव गाइज आता है, अब देखो नेगेटिव में जेन्युइन बता रहा हूँ, इसमें कोई ऐसी खामियाँ नहीं ढूंढ रहा हूँ। सबसे पहला नेगेटिव लगता है गाइज मुझे इसमें ABS नहीं है। अब आप सब बोलोगे कि यार ऐसे तो कौन सी भी राइवल गाड़ी में भी ABS नहीं आता, बट मेरा कहने का मतलब ये है कि यार सेगमेंट में सबसे भारी ये गाड़ी है। फ्रंट में इस बाइक का सबसे ज़्यादा वेट है, आप देखोगे ना फ्रंट टायर में सबसे ज़्यादा वेट है, और रियर ब्रेक इसका बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिव नहीं है। तो जब भी कभी ये इमीडिएट ब्रेकिंग करते हैं ना, आगे वाला ब्रेक एकदम लॉक हो जाता है, और कभी गलती से रेनी सीजन या कौन सा बेकार रास्ता हो ना, तो गाड़ी स्किड होने के सबसे ज़्यादा रिस्क है। यहाँ पर अगर रियर ब्रेक देखें ना, रियर ब्रेक का बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं, बिकॉज ड्रम मिलते हैं 130mm के, बट फ्रंट का जो 240mm का डिस्क ब्रेक है ना, काफ़ी रिस्पॉन्सिव है, और गाड़ी का सबसे ज़्यादा वेट ही आगे है। तो अगर मैं इमीडिएट ब्रेकिंग ऐसे करता हूँ ना, तो ये गाड़ी स्किड होने का या गिरने का काफ़ी ज़्यादा चांस है। तो कहीं ना कहीं कंपनी को थोड़े पैसे भले ही बढ़ा देना चाहिए 3,000-4,000 रुपये, बट सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रंट में ABS दे देना चाहिए। अब सेकंड नेगेटिव आता है इसका इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ एनालॉग दिया है, डिजिटल क्यों नहीं दिया, आज भी मुझे ये एनालॉग भी डिजिटली पसंद आता है, बिकॉज ये जो RPM पे गियर चेंज करने का मज़ा है ना, वो तो नेक्स्ट लेवल है। बट एज अ ओनर थोड़े टाइम बाद जब आप इस बाइक के साथ हैबिचुअल हो जाओगे ना, आपको 2 से 3 जो फीचर्स है वो बहुत ही मिसिंग लगने वाले हैं इस इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर में, वो है रियल टाइम माइलेज, डिस्टेंस टू MT, और स्पेशली गियर इंडिकेशन। ये फीचर्स कंपनी को अपग्रेड करने में कोई भी पैसे नहीं लगेंगे, तो ये फीचर्स कंपनी अपग्रेड कर सकती है, कोई ऐसा उनको ज़्यादा खर्चा नहीं आने वाला। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि यार इसको फुल्ली डिजिटल दे दो रेडर या SP जैसा, बट इसमें आप गियर इंडिकेशन, रियल टाइम माइलेज या डिस्टेंस टू MT दे दोगे ना, तो ओनर्स को काफ़ी कन्वीनियंट हो जाएगा। ओवरऑल तो देखो ज़्यादा कुछ नेगेटिव्स इंक्लूड नहीं करेंगे, बिकॉज देखो चेन इशू की बात हो गई, पैनल गैप्स की बात हो गई, गियर अटकने जैसी बात हो गई, ये ओनर टू ओनर वेरी करता है। मैं पर्सनली पल्सर 125 का ओनर नहीं हूँ, तो मुझे ये पता नहीं, अगर आप ओन करते हो और ये इश्यूज आ रहे हैं तो आप मुझे शेयर करना, बट जो जेन्युइन नेगेटिव्स लगते थे वो आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करे। ओवरऑल तो यार ये गाड़ी तो वर्थ रहने वाली है, बिकॉज जो हाई स्पीड स्टेबिलिटी है, जो इसको चलाने का मज़ा है, वो तो गज़ब का है। अब ज़्यादा माइलेज चाहिए तो फॉर श्योर SP एंड रेडर आपके लिए ऑप्शंस है। ओवरऑल तो यार ये गाड़ी काफ़ी बढ़िया है चलाने में भी, और लॉन्ग टर्म के लिए रखने के लिए भी। सो गाइस यार वीडियो यहाँ तक देखी हो, अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को अब एंड करते हैं, सो मिलते हैं गाइस ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट के साथ।